पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट एट नेशनल स्टेडियम कराची दोनों क्रिकेट टीम के स्क्वाड्स कराची पहुंच चुके हैं आफ्टर द फर्स्ट हिस्टोरिक टेस्ट एट पिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नाउ इट्स टाइम फॉर द पीपल ऑफ कराची टू होस्ट देम एट नेशनल स्टेडियम कराची एंड कराची स्टेडियम विल बी रेडी टू होस्ट दम कराची स्टेडियम की सर्फिस पिच और बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे बाकी तो आपने देख लिया की पीसीबी ने किस तरह से अरेंजमेंट की पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के इस टेस्ट के लिए आपको याद होगा अभी रिसेंटली यहाँ पे पी एस के काफी मैचेस खेले गए उस दौरान यहाँ की सर्फिस बेहतर थी शायद वो रात का टाइम था, था तो इस तरह से लग रहा था और अब शायद ग्रास काफ़ी घना हो गया है समर सीजन के आने के बाद आपको स्पॉट्स भी दिख रहे होंगे डिज़ाइन उसी तरह से किया गया है बट थोड़ा सा डिफरेंट है पिंडी स्टेडियम के एज कम्पेयर अगर हम करें वहाँ पे पिचेस के सामने यानी पोलियन और मीडिया बॉक्स के सीधी सीधी लाइन्स गई हुई थी यहाँ पे बिल्कुल गोलाई में है खैर नेशनल स्टेडियम कराची यानी सेकंड टेस्ट को भी हम पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि मैं कवर करूं जिस तरह से आपको याद होगा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम को हमने कवर किया मतलब वहां पे जो पहला टेस्ट खेला गया उसकी ओवरऑल हमने कवरेज दी प्रिपरेशन स्टेडियम के बारे में वीडियोस आती रही चाहे रिजल्ट जैसा भी था टेस्ट था टेस्ट बोरिंग डेड वट एवर लेकिन स्लो रावल पिंडी के क्राउड ने मायूस नहीं किया खचा खच टेस्ट मैच के लिए स्टेडियम को भरा हुआ था जिस तरह का पिंडी टेस्ट के लिए टिकट होल्ड आउट हुआ विद इन फ्यू डेज पांचों दिन के लिए एक चीज काफी मशहूर हुई लोगों के स्लोगन्स उन्होंने पकड़े हुए थे प्लेयर्स ने काफी टेस्ट को एंजॉय किया 24 थे, तो काफी उन्होंने बनाया जिसमें कराची कराची बीट कर पाएंगे लट्स सी काफी लोग ये कमेंट्स पास करते हैं कराची के लोगों के बारे में के वो स्टेडियम आते नहीं है इवन पी के मैचेस के लिए भी इतने लोग नहीं आ रहे थे काफी स्टेडियम लाहौर का आपने देखा वो खचाखच भरा हुआ था पी एस में उसके लिए तो डिमांड भी हुई एक न्यू स्टेडियम की ज्यादा कैपेसिटी के लिए लेकिन अब बारी है नेशनल स्टेडियम कराची की आपको सारी इन्फो दे, दे देता हूँ वीडियो पूरी देख लीजिएगा ताकि आपसे कुछ मिस ना हो आखिर तक मेरे साथ रहिएगा और काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिस तरह से हमने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के इस स्टोरिक टूअर को प्रमोट किया हाईलाइट किया लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन में दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे सो रावल पिंडी टेस्ट फिनिश हो जाने के बाद काफी क्रिटिसिज्म भी हमें देखने को मिली पी के चेयरमैन रमीज राजा की बातें ड्रॉप इन पिचेस से शुरू होकर ड्रॉप इन पिचेस पे एंड होती है लेकिन मायूस यूज ना हो वो जरूर कुछ करेंगे इस बारे में वो थोड़े बिजी भी थे अपने सन की वेडिंग पे खैर अब नेशनल स्टेडियम कराची का सेकंड टेस्ट बेहतर होने वाला है टू पिंडी के नेशनल स्टेडियम कराची में अभी अभी एस के मैचेस भी खेले जाते रहे हैं और यहाँ पे पीसीबी ने प्रिपरेशन भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी सफाया भी हो रही थी और दूसरा ये ग्राउंड सर्फिस भी अच्छी हो जाएगी खैर इसमें स्पॉट्स दिख रहे हैं लेकिन इसकी ट्रेनिंग और पानी वगैरह अच्छे से दे दिया जाएगा तो फिर टेस्ट वाले दिन थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा लेकिन ग्रास है लश ग्रीन ये बात माननी पड़ेगी कि पीसीबी ने अरेंजमेंट्स काफी अच्छी की ब्रॉडकास्टिंग को लेकर इस बार इस सीरीज में उसको हम क्रिटिसाइज नहीं करें लेकिन जिस तरह से पिच को तैयार किया उस पर डी मेरिट का पॉइंट भी दे दिया है यह मैंने आर्टिकल में रीड भी किया और इससे पाकिस्तान के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पे इफेक्ट भी पड़ सकता है कराची स्टेडियम का अक्सर 90 परसेंट ऐसे ही होता है कि मैच का रिजल्ट निकल के आता है ड्रॉ के बजाय और प्लस पॉइंट ये कि यहां पे पाकिस्तान मोस्टली मैचेस जीता है मेरे ख्याल से सिर्फ दो ही हारा है बाकी ड्रा या विन किए हैं और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मेरे ख्याल से फाइव जीरो का रिकॉर्ड है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग टिकट्स के हवाले से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा वो मैंने पोस्ट भी कर दी थी कि कराची और कदाफी स्टेडियम लाहौर टेस्ट के लिए टिकट की सेलिंग शुरू हो चुकी है बाकी ओवरऑल नेशनल स्टेडियम कराची के लिए जो आप अरेंजमेंट्स का पूछ रहे हैं प्रेपरेशन का तो भाई पूरी सीरीज इसी तरह से होगी जिस तरह से पिंडी स्टेडियम में तमाम तरह अरेंजमेंट्स हुई हैं उस पर मैं ज़्यादा चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा हाँ पी एस एल के लिए जो यहाँ पे सामने बाउंड्री लेंथ रखी गई थी एज़ कम्पेयर टू टेस्ट के ऑब्वियसली ये इंटरनेशनल मैचेज हैं तो बाउंड्री लेंथ थोड़ी लंबी होगी पाकिस्तान और आस्ट्रेलिया के क्रिकेट स्क्वाड्स ने अपने प्रैक्टिस सेशन भी है लेफ्ट एंड राइट साइड पे आपको नेट्स दिख रहे होंगे और ये सेंटर में जो कवर किया हुआ पिच को ये वाली पिच होगी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स स्पेशली डेविड वार्नर जब नेशनल स्टेडियम कराची में आए तो सबसे पहले जाके उन्होंने पिच का जायजा लिया शाहिंदन शाह फरीदी के साथ अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के, के स्क्वाड में हसन अली एंड फहीशरफ कम बैक कर सकते हैं एंड हारिस रऊफ में भी पॉसिबल है क्योंकि वो लोग फिट हैं अब और एक से दो प्लेयर्स जो फास्ट बॉलर फर्स्ट टेस्ट में रिप्लेस करके खिलाए गए थे शायद उनको ड्रॉप किया जाए मे बी नसीम शाह तो ओवरऑल नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान टीम के लिए आउटपुट के लिहाज से काफी लकी रहा है कराची स्टेडियम की पिच को थोड़ा सा डिफरेंट रखने की कोशिश की जाएगी पिंडी टेस्ट के मामले में उन्होंने उससे सबक लिया होगा दूसरा यहाँ पे अभी अरेंजमेंट सेटिंग्स वगैरह चल रही हैं। पॉसिबल हुआ तो लेटेस्ट एक और वीडियो भी शेयर कर दूंगा फिर और भी सेटिंग्स हो जानी है थोड़ा सा मैंने पी एस सेवन के टाइम को भी इंक्लूड किया ताकि मैं सर्फिस को कंपेयर करके एक्सप्लेन कर सकूं सो so, अभी दो दिन है 12 मार्च को शुरू होगा सेकेंड टेस्ट और वो भी दस एम सुबह शुरू कर दिया जाएगा कराची का दिन मेरे ख्याल से काफी लंबा रहता है आई डोंट नो मुझे ऐसे क्यों लगता है लेकिन पहले भी जब यहाँ पे टेस्ट मैचेस खेले जाते हैं तो ऑलमोस्ट नाइन्टी नाइनटी ओवर्स पूरे कर दिए जाते थे लाइटिंग का कोई इशू नहीं बनता था शायद वेदर और यहाँ के एन्वायरमेंट की वजह से आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं मे बी मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन यहाँ पे मैचेस पूरे होते रहे अच्छा है यहाँ का टेस्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है पिंडी में तो या तो ओवर्स का इशू बन जाता था लाइटिंग कम हो जाती थी आ जाती थी या तो मतलब किसी न किसी वजह से खेल इफेक्ट हो रहा था लेकिन कराची में ऐसा नहीं होगा बाकी अभी यहाँ पर बाउंड्री लगी नहीं है डिजिटल बाउंड्री भी नहीं लगी तो थोड़ा सा मैं आपको अंदाजा दिखा रहा हूं कि कुछ इस तरह से ये दिखता है। तो भी दिखा दूंगा कराची की पिचेज स्पिनर्स के लिए फेवरेट हैं और आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया का स्कॉड एक से दो स्पिनर्स और पिक करेगा लेकिन जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई वो पिंडी टेस्ट की पिच को लेकर आस्ट्रेलियन मीडिया ओवरऑल जो क्रिकेट फेटर्निटी है उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया है इस पिच को पिंडी स्टेडियम की पिचेस जो है वो फेवरेट मानी जाती थी इस लिहाज से कि वो बैलेंस रखी जाती थी माजी में और नेशनल स्टेडियम कराची में तो यहाँ पे पाकिस्तान को इंग्लैंड और आई थिंक साउथ अफ्रीका इनसे दो मैच में शिकस्त हुई है टेस्ट क्रिकेट में बाकी ओवरऑल रिकॉर्ड पाकिस्तान का यहाँ पे अच्छा रहा है सो जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे कोई ना कोई आउटपुट निकल के आएगा और या तो ऑस्ट्रेलिया को वन जीरो या पाकिस्तान को वन जीरो की बर्तरी हो जाएगी इवन पिंडी स्टेडियम की पिच को बिलो एवरेज करार दिया गया तो ओवरऑल काफी बड़े प्लेयर्स की तरफ से ओवरऑल मीडिया की तरफ से बहुत क्रिटिसाइज हुआ लाइक सेवन हंड्रेड प्लस रन कर लिए पाकिस्तान के बैट्समैन ने सिर्फ फोर विकेट पे सेंचुरियों पे बनती जा रही है, के डालना है। आप क्रिकेट खेले सीरीज स्क्वाड की तरफ थोड़ा बात कर लेते हैं तो उसमें मैंने कहा वो एक या दो स्पिनर और पिक करेंगे नथन लॉन्ट तो होंगे काफी थकाया पिंडी स्टेडियम के टेस्ट में उन्होंने बहुत ज्यादा ओवर करवाए माइट बी स्वेपन जो है वो अपना डेब्यू कर ले पाकिस्तान के अगेंस्ट हेर पिच को लेके मैं आपका ज्यादा दिमाग नहीं खाऊंगा सबको पता लग गया होगा ये चीज तो ट्रैड में चली वन पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने आके बात भी की इस पे वीडियो में so बस ये पिंडी टेस्ट के बाद अब कराची टेस्ट भी शुरू हो जाएगा उसके बाद तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट स्क्वाड फिर ट्रैवल करेगा कदाफी स्टेडियम लाहौर का वहाँ पर होस्ट होगा उसके बाद फिर वापस पिंडी आ जाएगा और होपफुली फिर टी एंड ओ डी के लिए पिच को थोड़ा डिफरेंट रखा जाएगा क्योंकि यहाँ का स्टेडियम लाहौर में तीसरा टेस्ट होस्ट हो जाने के बाद पिंडी स्टेडियम में कुछ और स्क्वाड के मेंबर्स ऑस्ट्रेलिया के ट्रैवल करने आएंगे जैसे अरुण फिंस टी ट्वेंटी में कैप्टेंसी करते हैं ओडीआई स्क्वाड के प्लेयर्स भी फिर ज्वाइन करेंगे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट स्क्वाड को तो होपफुली ओडीआई और टी ट्वेंटी मैचेस हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिले खैर उनका रिजल्ट तो आ जाता है उसमें बोरिंग शोरिंग कुछ नहीं होने वाला क्योंकि उसमें सिवाय मार धाड़ के छक्के चौकों के एंटरटेनमेंट के और कुछ नहीं होता टेस्ट क्रिकेट में तो असल पता लगता है यहाँ पे रन रेट का पिचेस का और आपको याद होगा जब ये टूर शुरू हो रहा था था तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम तो कह रही थी कि एक ही वेन्यू पे हम सारे मैचेस खेलेंगे चाहे वो टेस्ट हो डी आई हो टी ट्वेंटी हो ये तो फिर अच्छा हुआ पी सी अपने स्टांस पे खड़ी रही तीनों वेन्यूज पे मैचेस होस्ट करने का कहा लेट सपोज अगर वो पिंडी स्टेडियम को फोकस कर रहे थे सारे मैचेस वहाँ पे होते तो स्टेडियम का तो कबाड़ा हो जाना था और ज़रूर लोग बोर होते हैं कि स्टेडियम को सारे मैचेस पे देखे टी ट्वेंटी एंड टेस्ट सो होपफुली ये टूर अच्छे से कंप्लीट हो ओ डी आई मैच करने फिर आए आप लोग टी ट्वेंटी मैचेज़ अगर आप लोग टेस्ट मैचेस से बोर हो गए हैं क्योंकि काफ़ी लोगों ने टिकट्स बाय किए थे वो एक्साइटेड थे इवन कराची के लिए भी काफ़ी लोगों ने बाय कर लिया हैं ऑलरेडी बट कोई नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ बैक इन पाकिस्तान इस नीयत से आप मैचेस देखने जाएँ तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है सो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी कराची टेस्ट को भी कवर करने की कोशिश की फिर मिलते हैं इन किसी नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर